What's up, everybody? That's your boy Amir speaking. Please, ये सब बंद कर दो जो आप लोग कर रहे हो. नहीं. बना रहे हो, परमिशन लो, बनाओ. रोस्ट कर रहे हो, परमिशन लेके रोस्ट करो. आ जा, जुट जा, ए, सारे आओ. चलो ठीक है, लेकिन मैं घोड़ी नहीं बनूंगी. शेखर की माँ, तुम भी एक बार घोड़ी बनकर देखो, बड़ा मजा आएगा. टिकटॉक पर छाए कुछ खजूरों को घोड़ी बनने में बहुत मजा आता है. घोड़ी घोड़ी खेलने के लिए ये कुछ भी बन सकते हैं. हेलो गाइस, आई एम मिया खलीफा. चल बोज. तो गाइस, क्या चल रहा है आजकल? पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारे आत्मा ने चीता नहीं किया? खंड खंड नहीं यार, मुझे तुम्हारा नहीं पता, पर मेरे यहाँ तो यही चल रहा है. सुबह से लेके शाम तक मुझे रामायण मिलती है, और शाम से लेके रात तक महाभारत. क्रिंज इनटू 100 हो गया. देख देख झोपड़ी के, तू फिर से उड़ता तीर मत ले. पिछली बार जब सब तेरी मारने खड़े हुए थे तो बस तू यही कह पाया था. प्लीज आज ना तेल लगा लेना यार. ये कितनी गलत बात है, तो प्लीज गाइस ये भी बंद कर दो. ए, पागल है क्या? ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है. गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अब दोबारा क्यों? इट्स हर चॉइस. अच्छा, तो ये तेरी चॉइस है. तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा. लॉकडाउन में दिमाग की लगी पड़ी थी, करने को कुछ था नहीं, तो मैंने टिकटॉक लगा लिया. टिकटॉक लगाते ही मुझे ये दिखी. चाय पीनी है? हाँ पीनी है. किसको किसको पीनी है? देखकर मजा आ गया, पर कानों को कोरोना हो गया. थोड़ा खोदा तो मेरे सामने ये चुतिया आया. भाई चुतिया आई? हाँ व्हाटएवर. चाय पीनी है? हाँ पीनी है. किसको किसको पीनी है? कौन है? रुक, कहाँ से आते हैं? इस छिपकली की झाट ने पूरे टिकटॉक पर आग लगाया हुआ है. चाय पीनी है? 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 बच्चे की जान लोगे अब आप लोग? हेलो कि टिकटॉक के वासियों, जिन जिन लोगों ने कोहिनूर का हीरा नहीं देखा है, वो लोग मुझे देख लो. मैं सेम टू सेम कोहिनूर का हीरा लगता हूँ. ये तो टट्टी है. सेम टू सेम फेंका हुआ कोहिनूर है. तू तू वही है ना जो हाथ में रुमाल लेके घूमता है कि कोई घुमा के ले ले, जो मुझे बर्बाद कर दे. अरे मैंने टिकटॉक खोला ही क्यों? क्यों क्यों? इसको देख के चुड़ैल की भी गांड फट गई. उड़ती हुई चुड़ैल बोली, कुछ नहीं भाई, लैंड करना है अब अपने को. हेलो गाइस, आई एम मिया खलीफा. अबे साले, मैं ये कहना चाहता हूँ टिकटॉक सर. अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो. मुझे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मेरी वीडियो ना वायरल करो. मेरी टिकटॉक से गुजारिश है कि इसको वायरल नहीं, बैन कराओ. ये प्राणी हानिकारक है. हमने कंप्लेंट कर दिया पुलिस स्टेशन में. ठीक है, पुलिस इसको कॉल करके बताएगी. ओ हो, रूठ गई. मनाने के लिए तुझे क्या देना होगा? गोरा होना, और तुम सोचते हो मैं रिंग लाइट की वजह से गोरा हूं? यार ये देख लो, मैं सनलाइट में भी नहीं खड़ा हुआ भाई. कौन सी रिंग लाइट, कैसी रिंग? ₹50 कट ओवर एक्टिंग लाइट. यहाँ पे खड़ा हुआ और मैं कैसे हूँ वो मैं बता देता हूँ. भाई एक चम्मच बेसन लिया मैंने, आधा चम्मच एलोवेरा जेल लिया, 2 चम्मच पानी लिए, मिक्स करके ना पेस्ट बना दिया. आधा जिंजर, अदरक बोलते हैं हिंदी में, काटा, उसके ऊपर ये पेस्ट लगाया, फेस पे रगड़ा. ये क्या हो रहा है इधर? मारो मुझे, मारो. नहीं ये मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है. 15 मिनट के बाद जब तुम उतारोगे ना इसको ठंडे पानी से, रिजल्ट ये होगा. अजी मेरा घंटा, गोरा होने के लिए तुम्हें अपनी औकात से ऊपर का एक फोन चाहिए और फिल्टर लगाने का तजुर्बा. और वैसे भी गोरे काले से कुछ नहीं होता. जब एक सुअर कीचड़ से लिपटा होता है तब भी वो सुअर होता है, और जब वो सुअर सफा चट बैठा हो तब भी वो सुअर ही होता है. Once a sewer, always a sewer. ये टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जिसमें फर्क नहीं पड़ता तुम कितने बड़े चूतिए हो, तुम स्टार बन सकते हो.
तुम स्टार बन सकते हो। तुम स्टार बन सकते हो। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा। और फिर इनका स्पोक्स पर्सन आके बोलता है, दिन भर मेहनत करते उसके बाद ये लोग अपनी फैमिली को पाल रहे हैं, अपनी फैमिली को, ये लोग असली हीरो लोग हैं। मेहनत, ऐसा वाला मेहनत, मैंने की है मेहनत। मुझे सच में लगता था कि टिकटॉक से बर्बाद कोई चीज है ही नहीं। मैं गलत था। टिकटॉक पर कम से कम कुछ लोग अच्छे कंटेंट डालते हैं। कंटेंट नहीं, कंटेंट होता है। ओ भैया, मॉस्को की ना बाकी चूत है। जितने लोग मॉस्को गए हुए हैं, वापस आओ भाई, वापस आओ। देख रहा कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। मैं कह रहा था कि टिकटॉक पर कुछ लोग कम से कम अच्छे कंटेंट डालते हैं, पर लाइकी, लाइकी तो उसका बाप है। यहाँ तो आंटियों ने तहलका मचा के रखा है और कुछ हवस के पुजारी ये उन्हें वायरल करने में लगे हैं। ये वो वीडियोस हैं जिन्हें देखकर आपका ये हाल हो जाएगा। अबे यार क्या देख लिया, कोई चप्पल सुंगा हो यार इसको। अपना नहीं तो बच्चों का तो ध्यान रख लो प्लीज यार। छोटी छोटी लतिया जियान खाई लस रतिया, भोरे खो जाई है ने आई। हराम खोर कैसे लाल टपका रहे। चूरा के दिल मेरा गोरिया चले, गोरिया नहीं गोलिया चलेगी बे, वो भी तेरी गांड में। देखो यार आंखों से ही खा रहा है लौंडा। सुनो जी क्या? सुनो जी बाद में, हाथ कहाँ है बे तेरा, वीडियो की आड़ में क्या कर रहा है तू। जरा जरा महकता है बह। अरे बागड़ बिल्ले, अगर लड़की छोड़कर चली गई है तो रो ले, रो ले। लेकिन मिर्ची क्यों खा रहा है तू, देखकर हमारी जल रही है। तेरे तो कल ज्वालामुखी फूटेगा। अरे मेरी तो है ना अखियां है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन वासी। अबे सस्ते अदु मलिक, तुझे जो बकचोदी पेलनी है पेल ले, पर बच्चे की क्या गलती है, उसे गिर टोकरी में बिठा लाया। आ लड़की को चुम्मा दे। अबे कौन है बे तू? मैं पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। हाँ हाँ पांडे। Seriously, what the fuck are you doing? क्यों क्यों क्यों? क्यों इतना ना समझ हो जाता है इंसान? क्या सोचकर डिवाइड करते हो यार? अगर हवस ही मिटानी है तो उसके और भी तरीके हैं। जो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैंने मेरे IGTV वीडियो में कैरी मिनाटी को क्यों टाइगर मेंशन किया था। अवार्ड शो हुआ था जिसके अंदर कैरी मिनाटी वॉज अवार्डेड फॉर द बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। जली ना तेरी भी जली ना एक्सेप्टेड। मैंने मेरी IGTV वीडियो डिलीट क्यों की? डिलीट करने का मेन रीजन ये था कि भैया ऐसा है, पिछवाड़े सुतली बॉम्ब डालोगे तो गांड तो फटेगी ही। अब जाओ और मोची ढूंढो, क्योंकि इतनी बजने के बाद फेविस्टिक भी काम नहीं आएगा। मैं भी मानता हूँ ये बात। मानता है ना, तो चल निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। गाइस आज के लिए बस, तुम्हें तुम्हारे बचपन के प्यार की कसम, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे फॉलो करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे। ओके ऐसा है मिस्टर, ऐसा है सनी लियोनी, तुम अपना काम करो,
ये मेरा वीडियो है, मैं एंड कर लूंगा। ठीक है। अरे सुशांत, वीडियो खत्म हो गया, क्या प्लान है? चलो ठीक है, लेकिन मैं घोड़ी नहीं बनू। अरे घाण मार रहे हैं हम लोग उसकी। अरे माँ जी, आपसे एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछने जा रही है, पूछिए माँ जी। 6 साल मॉस्को में क्या किया? मतलब आज मेरी भजी है तो तुम लोग मजे ले रहे लेना। वो कैरी है तो भाई कोई भगवान नहीं है, कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। जो रोस्टर्स रोस्टिंग के नाम पे गालियां दे रहे, तेरी जैसी के साथ ऐसा ही होना था। अच्छी मजा आई, अच्छी मजा आई। आगे से अगर कोई भी किसी को रोस्ट करता है या नेगेटिविटी स्प्रेड करता है,